सोलन में युवा कांग्रेस ने शांति यात्रा का आयोजन किया। रैली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मुनीश ठाकुर की अध्यक्षता में निकाली गई। रैली के माध्यम से भाजपा को घेरने का प्रयास किया गया और सोलन की जनता तक ये संदेश दिया गया कि देश का माहौल लगातार बिगड़ रहा है, इसीलिए भाईचारा बनाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में भगवाकरण कर रही हैं, जिसे कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने कहा कि भाजपा के राज में चारों तरफ अशांति का माहौल बना हुआ है। भाजपा जातिवाद पर देश को बांटकर राजनीति करना चाहती है, जिसकी वजह से देश का माहौल लगातार बिगड़ने लगा है। इसीलिए रैली में युवा कांग्रेस नफरत छोड़ो प्यार बांटो के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने भाजपा को ये चेतावनी दी है कि वह देश का भगवाकरण नहीं होने देंगे और वह भगवाकरण का पुरजोर विरोध करेंगे। भाजपा द्वारा कांग्रेस से नशे के सौदागरों से संबंध होने को लेकर पूछे गए प्रश्न में मुनीश ने कहा कि नशे के सौदागरों से कांग्रेस का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि नशा करने वालों के खिलाफ तो कांग्रेस ने खुद मुहिम छेड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा खुद बताए कि युग हत्याकांड में उनका एबीवीपी का कार्यकर्ता कैसे शामिल था। देश की जनता इकट्ठे होकर नफरत छोड़ो प्यार बांटो के नारे के साथ जो हमारा लक्ष्य 2019 है, लोगों के बीच हम ये संदेश लेकर देना चाहते हैं। और ये जो सरकार जो इस संवैधानिक संस्थाओं का और दूसरे इंस्टीट्यूशन का भगवाकरण करने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ आज यूथ कांग्रेस हर एक जिला स्तर पर इस तरह की सद्भावना यात्रा निकालने जा रही है। और कल इस सद्भावना यात्रा का जो आगाज है, दूसरे तीसरे चरण में हम सिरमौर से करने जा रहे हैं। और इसी तरह से 15 अगस्त तक ये सद्भावना यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर जिला स्तर पर और विधानसभा स्तर पर निकाली जा रही है। निष्कासन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको हमने मार्च के अंदर जब जिला के हमने प्रभारी लगाए थे उसमें वो पहले शिमला शहर का मुझे लगता था, लेकिन हमने उसको हटा दिया। और कोई भी गतिविधि आप मार्च के बाद बताएं कि उसकी सक्रिय रूप से रही है, और ऐसे व्यक्ति को हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। और उसको हमने पहले ही पदमुक्त कर दिया है, वो आने वाले समय में हम आज ही उसको निष्कासित करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो निष्कासन जरूरी है तो उसका आज ही हम निष्कासन कर देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो युग हत्याकांड इस प्रदेश के अंदर हुआ उसमें तो इनका सक्रिय एपी का कार्यकर्ता है, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे।